सबसे तेज खबर जब दूध। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में मैं पीके ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। कोसी नदी में बढ़ा पानी, सुनमन की गांव में घुसा बाढ़ का पानी, देखिए जगदीप कुमार की एक रिपोर्ट। खगड़िया जिला के महज 5 किलोमीटर पर अवस्थित सुनमन की गांव में कोसी नदी इस कदर से विकराल रूप धारण कर लिया कि वहां के नदी के पानी धीरे धीरे पूरे गांव में समाहित होते जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण में नाराजगी है और कहा, इतना कष्ट में हम सब ग्रामीण हैं, घर में पानी प्रवेश कर गया, सड़क पर पानी जहां तहां हो गया है कि पैदल भी चलना दुश्वार हो गया, लेकिन जिला प्रशासन अब तक देखने के लिए भी नहीं आए हैं। अब तो ऐसी स्थिति बन गई है कि जानवरों के लिए चारा भी सही से उपलब्ध नहीं हो पा रहा। जिला प्रशासन इस पर अपना ध्यान आकृष्ट कर उचित व्यवस्था करवाए ताकि हम लोग कोरोना संक्रमण के साथ साथ इस बाढ़ की स्थिति को भी झेल सकें और निपट सकें, ताकि हम लोग के परिवार बाढ़ जैसे विकराल रूप में बाढ़ के आगोश में ना समाए और साथ ही जानवरों की स्थिति भी सुधर सके। मैं बार बार जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इस गांव के ऊपर ध्यान दें। नमस्कार, मेरा नाम जगदीप कुमार है और आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ खगड़िया जिले के मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जो सुनमनकी गांव अवस्थित है। मैं आपको बता दूं, यहां की नदी इस प्रकार ताबड़तोड़ बढ़ रही है जिससे लगता है कि यहां आमजनों की काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से देख रहे सीधे तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यहां के लोग नाव से अपने सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, लेकिन काफी कठिनाई होती है और मुझे लगता है जिला प्रशासन चैन की नींद सो रहे हैं। तो लगता है क्या उम्मीद जताते हैं, क्या विश्वास करते हैं अपने जिला अधिकारी से, यहाँ के ग्रामीण आइए मिलकर बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। बाढ़ के लिए फसल दह गया, लोगों को चलने फिरने के लिए दिक्कत है, कहीं नाव नहीं मिल रहा है, लोग भूख मर रहा है। जिला प्रशासन यहाँ के लिए क्या कर रही है कुछ? जिला प्रशासन यहाँ अभी तक कुछ देखने के लिए भी नहीं आया है। क्या ऐसी स्थिति बार बार आती है यहाँ पे? यहाँ पर ऐसी स्थिति बार बार आ रहा है, हर साल पानी की सुनामी जैसा होता है। पीछे अनाज से भी जा रहे, कहाँ से कहाँ तक परिचालन होगी? लोग अपना अपना घर से निकाल के कहीं राही पर पहुँच रख रहा है, स्थान पर कहाँ गए, अभी तो घर से ही सब है, तबाह हो रहा है। क्या मांग करते जिला प्रशासन से आप? जिला प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं, हम लोगों को जगह दीजिए ऊँचे और राशन दीजिए, यही सब मांग है, रहने का व्यवस्था कीजिए। प्रशासन देखने के लिए नहीं आया। जिला प्रशासन क्या लगता है कि चैन की नींद सो रही है? अभी तक देखने के लिए भी नहीं आया है। देखिए हम लोग डूब रहे हैं नदी में, अभी पानी भी बढ़ रहा है, अभी तक कोई नहीं आया है देखने के लिए। और क्या क्या परेशानी होती है, किस प्रकार की परेशानी होती है? ऊपर से तो एक लॉकडाउन चल रहा है, एक ऊपर से जो बाढ़ आ गया है, बहुत परेशानी हम लोग को हो रहा है। इधर घास भूसा की भी दिक्कत हो रहा है और भूख भी मर रहा है आदमी, यहाँ पे जानवर भी यहाँ पे मरने का स्थिति आ गया है यहाँ पर, और आदमी की भी वही स्थिति चल रहा है यहाँ पे। अभी तक कोई आदमी नहीं देखने के लिए आया है यहाँ पे। यहाँ के मुखिया सरपंच सब क्या करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? कोई नहीं आया है अभी तक देखने के लिए, न मुखिया आया है, न सरपंच आया है, न जिला परिषद आया है, कोई नहीं आता है यहाँ पे देखने के लिए। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना न भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क करें।